काफी आवाज। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में धर्म के क्षेत्र में काफी काम किया है। अर्पिता जी महाराज नमस्कार। महाराज जी नमस्कार। आप अपने बारे में बताइए, आप इतनी सी उम्र में धार्मिक से कैसे जुड़ गए? देखिए, मैं एक गरीब ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ। बचपन में जब मैं 20 दिन का था तब मेरे पूज्य पिताजी नहीं रहे थे। माताजी ने संघर्ष करके और हमको पढ़ाया, तदुपरांत भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई, मैं पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में आ गया। झांसी में मैं शिक्षा ग्रहण करने आया था और उसके उपरांत श्री सखी के हनुमान जी महाराज ने मुझे अपने चरणों में स्थान दे दिया और निरंतर धर्म की, समाज की और राष्ट्र की, भारत माता की, हिंदुत्व की सेवा में पूरा जीवन समर्पित कर दिया। महाराज, आप सखी के हनुमान मंदिर जहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ से यहाँ पर कितने वर्षों से रह रहे हैं? मैं यहाँ 12 वर्ष हो गए, यानी 2009 में। महाराज, अब आपने कहा था हिंदुत्व, अभी हाल ही में कालीचरण महाराज ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में गांधी जी के बारे में विवादित बयान दिया, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, मानता कालीचरण जी का एक अपना व्यक्तिगत मत है, लेकिन महात्मा गांधी ने जिस कहीं ना कहीं कुछ महात्मा गांधी का योगदान तो इस राष्ट्र के प्रति है ही, इसको नकारा तो नहीं जा सकता, लेकिन गांधी परिवार देश में गद्दार परिवार है। गांधी परिवार एक दूसरी बात है, लेकिन उन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी महात्मा गांधी पर की थी कि महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। मैंने कहा ना, महंत कालीचरण जी का यह व्यक्तिगत बयान हो सकता है, हमारे लिए तो महात्मा गांधी इस राष्ट्र पिता है, तो सम्मान है, पूजनीय है। अभी छत्तीसगढ़ पुलिस ने महंत कालीचरण महाराज को खजुराहो में गिरफ्तार किया है, इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बयान देते हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस को विश्वास में नहीं लिया था, इस पर आपका क्या बोलना है? देखिए, कहीं ना कहीं किसी महंत को एकदम से गिरफ्तार कर लिया, उसके पूर्व ने कोई सूचना उनको देनी चाहिए। इन्होंने छत्तीसगढ़ की पुलिस ने आके मध्य प्रदेश में महंत जी को गिरफ्तार किया, उसके पूर्व मध्य प्रदेश की पुलिस को सूचना देना चाहिए था। और कहीं ना कहीं कई ऐसी घटनाएं होती हैं, छत्तीसगढ़ सरकार या अन्य सरकारें तब नहीं जागती हैं जब महाराष्ट्र में दो संतों की हत्या होती है, तब नहीं इन लोगों को याद आता है कि कानून क्या है। दो संतों की महाराष्ट्र में निर्मम हत्या हो जाती है, वही सरकार तो थी वहां पे महाराष्ट्र में भी, लेकिन कांग्रेस का यह चरित्र है कि वह संतों के, हिंदुत्व के, राष्ट्र के और भारत माता के विरोधी हैं। कांग्रेस के लोगों ने जिस प्रकार से हमारे देश पे कुठाराघात किया है, हमारे सनातन को क्षति पहुंचाई है, आज उसी का प्रणाम है कि देश की जनता ने इनको ठुकरा दिया है और देश की जनता ने इस बात को बता दिया है कि अब जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। निश्चित रूप से लोग कहते हैं मेरा देश बदल रहा है, कहां बदला है? मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो लोग राम का नाम लेने से घबराते थे, आज कहीं वह कोई जनेऊ वाला ब्राह्मण बन जाता है, तो कोई उन्हीं के परिवार की प्रियंका वाड्रा वो जाके काशी विश्वनाथ में दर्शन करती हैं, अयोध्या रामलला के दर्शन करती हैं, हनुमानगढ़ी मठा देखती हैं, वृंदावन में बाके बिहारी के दर्शन करती हैं, इसके पहले तो नहीं करती थी 2014 के पहले। तो निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आने से मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ा। अभी भाजपा नाम बदलने की राजनीति कर रही है सरकार, अभी झांसी रेलवे स्टेशन नाम वीरंगला रानी लक्ष्मीबाई स्टेशन किया गया, रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को चुनौती देते हुए कहा था मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, इस पर क्या है? अभी तक जितने शहरों का नाम बदला गया वहां की जनता ने उतना विरोध नहीं किया जितना झांसी की जनता में एक सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड दिख रहा है, इस पर। देखिए, झांसी
निश्चित रूप से महारानी वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता है। मैं एक बार दिल्ली में सुबह जनपथ पर टहल रहा था दिल्ली प्रवास में, तो वहां कुछ अंग्रेज भी टहल रहे थे, तो मेरी उनसे वार्ता हुई। तो एक लोग एक रसिया के थे और एक हांगकांग के थे, तो उन्होंने मेरा परिचय पूछा, तो मैंने कहा कि मैं झांसी से हूँ। बोले वो झांसी जहाँ की महारानी लक्ष्मीबाई थी, तो मुझे अपने आप में गर्व महसूस हुआ कि कहीं ना कहीं हमारी महारानी साहिबा ने हमारे झांसी का नाम पूरे विश्व और दुनिया में फैलाया। ये तो अच्छा है झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं झांसी हमारी विरासत है, तो उसको वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई झांसी या झांसी वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई होना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं झांसी का नाम होना चाहिए था। अभी महाराज कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह जी ने वीर सावरकर की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुत्व का हिंदू से कोई लेना देना नहीं है, और उन्होंने कहा कि वीर सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि गोमांस खाना अपराध नहीं है। वहीं बीजेपी की सरकार गोवा मणिपुर जैसे राज्यों में वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं कि बीफ की कमी नहीं होने देंगे, इस पर चर्चा है आपका। देखिए मैंने भी आपसे कहा कि कांग्रेसियों का तो निश्चित रूप से उनका शुरू से एक उनका विषय रहा है कि उन्होंने हिंदुत्व पर सनातन धर्म पर सनातन धर्म की उन सभी विषयों पर उनको भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। दिग्गी राजा पहले भी कई बार ऐसे ओछे राजनीति के बयान देते रहते हैं, तो दिग्गी राजा मानसिक डिस्टर्ब हो गए हैं, उन्हें अपना इलाज कराना चाहिए। वीर सावरकर हिंदुत्व के एक बहुत बड़े पुरोधा थे, और गाय हमारी माता है, गावो विश्वेश्वरा मात्रा। भगवान कृष्ण जब भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया तो उन्होंने उन गायों को चराया, उन गायों की भगवान ने स्वयं सेवा की, और हर स्तुति में ये कहा जाता है विप्रधैन सुर संत लीन मनोज अवतार। तो निश्चित रूप से भगवान ब्राह्मण और गायों के लिए ही इस धरती पर अवतरण लिए। गाय हमारी माता है इसमें कोई संदेह नहीं है, और बहुत जल्द मुझे विश्वास है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर कि बहुत जल्द गाय राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी। गोवा और मणिपुर में आपकी सरकार है, उत्तर पूर्व के कई राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन वहां पर बीफ बैन नहीं, वहां पर बीफ चलता है, ऐसी तो मेरी कोई जानकारी नहीं है वहां पर कहीं, क्योंकि मणिपुर के मुख्यमंत्री का बयान था कि बीफ की कमी नहीं होने देंगे, गोवा के मुख्यमंत्री का भी बयान रहा। देखिए गोवा तो मैं गया नहीं, ना मणिपुर में गया, जहां तक मेरा नॉलेज है कि ऐसा मेरे संज्ञान में कोई नहीं है। और यदि वो कहीं की भी सरकार हो, कोई भी हो, जो हिंदुत्व पर और सनातन संस्कृति को ठेस पहुंचाने का काम करेगी, हम उसके विपरीत हैं। 2022 का चुनाव आ चुका है, चुनाव की जोर शोर तैयारी हो रही है, कोरोना की पहली लहर आती है, हम उभरते हैं पहली लहर से, फिर मास्क सब कोविड बिहेवियर गाइडलाइन का हम पालन नहीं करते, बिहार का चुनाव होता है, उसके बाद दूसरी लहर के दौरान यूपी पंचायत चुनाव होते हैं और बंगाल का चुनाव होता है, उस टाइम कोरोना बहुत विकट परिस्थिति हमने देखी, कई लाशें गिरती देखी, लोगों को ऑक्सीजन की कमी होती हुई देखी, तीसरी लहर के बीच में ओमिक्रॉन का कहर बढ़ता जा रहा है, क्या इसके बीच में चुनाव होना आप उचित मानते हैं? देखिए परसों चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, शायद आपने उसको सुना होगा, जानकारी होगी। हम आपका व्यक्तिगत मत चाहते हैं, आप चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, चुनाव देखिए सही समय पर होना चाहिए, लेकिन चुनाव में अभी जो कोरोना की तीसरी लहर आ रही है उसका इतना खतरा जो साइंटिस्टों ने बताया है कि जिनको कोविड की दो वैक्सीन लग चुकी है उनके ऊपर कोई भी इसका असर नहीं होगा। दूसरा, इस जो ये तीसरी लहर का कोरोना आ रहा है इसमें कोई भी अभी तक हानि नहीं हुई है, मतलब मृत्यु नहीं हुई है, महाराष्ट्र में हुई है मृत्यु, यदि मतलब उत्तर प्रदेश में भी ऐसा नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग का ये कहना है कि चुनाव सही समय पे होना चाहिए,
और चुनाव कोविड गाइडलाइन के साथ हो रहे हैं, बूथें बढ़ाई जा रही हैं, महिलाओं की अलग बूथ होगी। पहले चुनाव का समय सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक रहता था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक समय उसका 2 घंटे बढ़ाया है। और निश्चित रूप से जब एक जहां एक बूथ होता थे वहां पर 3 बूथ हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से भीड़ कम रहेगी, मास्क लगेंगे और चुनाव सही समय पर होना चाहिए, क्योंकि उचित समय पर अपना नेता नेतृत्व व्यक्ति चुन ले तो बहुत अच्छा। अभी हम अखिलेश यादव की भी रैली देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी की भी रैली देख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ जी की भी रैली देख रहे हैं, प्रियंका गांधी जी की भी रैली देख रहे हैं, किसी भी रैली में कोविड का पालन नहीं हो रहा है। देखिए, कोविड गाइडलाइन का पालन हम लोग सदैव लोगों से कह ही सकते हैं कि कोविड का पालन करिए, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, इसका नियमित रूप से पालन करिए। लेकिन मुझे लगता है देश की जनता ने कहीं ना कहीं कोविड का पालन किया था, तभी ये वैश्विक महामारी से हम लोगों ने निजात पाया था। और मुझे लगता है कोविड के गाइडलाइन का पालन सभी लोगों को करना चाहिए। और जितने लोग भी आपके इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, उन सब से मेरी व्यक्तिगत अपील है कि जान है तो जहान है। यदि हम सुरक्षित रहेंगे तब हम लोग अपना राष्ट्र सुरक्षित रख पाएंगे, अपना नेतृत्व चुन पाएंगे। तो सबसे पहले है कि हम स्वयं में ये समझे कि हमसे किसी को हानि ना हो जाए, इसलिए हमको स्वयं मास्क लगा के चलना चाहिए। अभी महाराष्ट्र के आपने कहा था कोविड वैक्सीन लगने के बाद जिनको दो टीके लगे, महाराष्ट्र के 10 मंत्री और 20 विधायक कोविड पॉजिटिव पाए गए कल। देखिए, कोविड पॉजिटिव पाना विषय एक अलग है, ठीक है। कोविड पॉजिटिव व्यक्ति कोई भी हो सकता है। मैंने पिछले कोविड कोरोना काल में कई मरीजों को, कोरोना के पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया, लोगों को ऑक्सीजन, रेमडेसिविर इंजेक्शन की व्यवस्था कराई, भोजन पहुंचाने का काम कराया। मैंने तो कभी, मुझे तो खांसी जुकाम भी नहीं हुआ। जैसे चुनाव का, जैसे चुनाव 6 महीने बाद भी होता है, 6 महीने का राष्ट्रपति शासन भी लग जाता है, अगर कोविड की तीसरी लहर खत्म हो जाती है उसके बाद चुनाव होता है, तो वो देश के लिए सही रहेगा कि अभी सही सही है? देखिए, ये ऊपर का विषय है और ये ऊपर के हमारे, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? देखिए, मेरी व्यक्तिगत राय जो मैंने थी वो मैंने आपको बता दी। जो देश के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम सबसे ज्यादा उनको हम सबकी चिंता है, तभी उनने कोरोना काल में लगातार 22 घंटे 20 घंटे जग के काम किया देश की जनता के लिए। तो देश के प्रधानमंत्री को हम सब की चिंता है और जो देश हित में होगा वही मोदी जी करेंगे। चुनाव में बेरोजगारी का मुद्दा तेजी से बढ़ रहा है, अभी यूपी टीईटी का पेपर भी कैंसिल हो गया था और तमाम वैकेंसियां पेंडिंग पड़ी हुई हैं। आप समाज के लिए काम करते हैं, तो जैसे कई परिवार धनी सेठ नहीं है, उनके बच्चे भी तैयारी कर रहे हैं, अब वो समय पर परीक्षा नहीं होती है, तो उस पर कुछ कहेंगे सरकार के लिए? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछली 14 वर्षों की सरकार उत्तर प्रदेश में रही है सपा बसपा की, उनसे कई अधिक रोजगार की व्यवस्था की है। ये अभी जो ये पेपर टीईटी का जो कैंसिल हुआ, उसमें कैंसिल होने का कारण है, आप सबको पता है, पेपर लीक हो गया था। उसके बाद उन सभी लोगों पर कार्रवाई हुई, कार्रवाई के साथ साथ इतिहास के पन्नों में पहली बार ऐसा हुआ कि पेपर लीक करने वाले की सारी संपत्ति जब्त सरकार ने कर दी। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य से जो लोग खेले हैं, उनको हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने सबक सिखाया है। जो पेपर छपने का कॉन्ट्रैक्ट जिस कंपनी को दिया गया था, उस कंपनी के एड्रेस पे वियर का गोदाम था, अगर आपको मालूम हो तो। देखिए, ये अधिकारियों की कहीं ना कहीं गलती थी, तो सभी अधिकारियों को सरकार ने सस्पेंड किया, उनके ऊपर कार्रवाई हुई, आपकी जानकारी में होगा ये जानकारी में। लेकिन क्या मुख्यमंत्री अनभिज्ञ थे इस बारे में? देखिए, बहुत सी चीजों में माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं देखते। जब ऐसे आप कहिए कि यहाँ सफाई का टेंडर हो, तो उसको सीधा डीएम साहब देखेंगे, जिले के मालिक डीएम होते हैं, तो सफाई का टेंडर तो नीचे अधिकारियों से ही हो जाता है।
उसमें आप कहिए कि डीएम ने कुछ देखा नहीं, झांसी में सफाई का टेंडर हुआ वो खराब हो गया, तो ऐसा नहीं है। जो भी इसमें दोषी थे कोई बचेगा नहीं, इस बात को आप नोट कर लीजिए। बाबा मुख्यमंत्री है प्रदेश में, बाबा ने कह दिया है जो उत्तर प्रदेश के किसी भी जगह पे खिलाफ प्रदेश की जनता के नुकसान पहुंचाएगा, हानि करेगा, वह रहेगा नहीं, उसकी जगह जेल में। अब आपको किसान आंदोलन चला एक साल, 700 साल शहीद हुए, बाद में सरकार ने बिल वापस लिया। अगर ये सरकार पहले बिल वापस ले लेती तो शायद किसानों को बचाया जा सकता। देखिए, किसानों के बिल की जो बात है वो कृषि कानून जो माननीय देश के प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी ने जो वापस लिया है, तो अब ये तो ऊपर का विषय है, उनको लगा तो उन्हें वापस ले लिया, शीर्ष नेतृत्व का विषय है। यहाँ पर महाराज अभी देखा जा रहा है टिकटों के कई दावेदार है, आपने भी कहीं अपना रिज्यूम नहीं जमा किया? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और हमारे यहाँ पार्टी जिसको टिकट देती है वो चुनाव लड़ता है। अभी मेरा चुनाव लड़ने का कोई मन नहीं है, ना मैंने कोई तैयारी तो कर ही रहे होंगे। देखिए, तैयारी नहीं, मैं लगातार जनता की सेवा कर रहा हूँ लगातार। अगर पार्टी आपको मौका देगी तो आप झांसी या जहां भी मौका देगी वहां क्या कमी है जो आप पूरा करेंगे भविष्य में? देखिए, पार्टी कब मौका देगी, उत्तर उस क्षेत्र की जनता मुझे कब अवसर देगी, निश्चित रूप से यदि कभी जनता ने आशीर्वाद दिया, पार्टी ने हम पे विश्वास किया, तो मैं उन क्षेत्रों में वो करूंगा जो किसी ने नहीं किया। मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में, मेरा एक लक्ष्य सपना है कि मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र में कई जगह ऐसे भोजनालय खुलवाऊंगा जहां 10 रुपए में भरपेट भोजन की व्यवस्था होगी, और वो ऐसा भोजनालय होगा जहां स्वयं मैं भी उस भोजनालय में जाके भोजन करूंगा। मेरी विधानसभा क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, यदि रात में 12 बजे भी उस भोजनालय में सूचना आएगी तो हमारे उस भोजनालय से एक व्यक्ति उसको भोजन कराने पहुंचेगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दादा जादा भाई, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर।